ये हमारी मक्की अभी भी पूरी तरह से थ्रेशिंग नहीं हो पाई है, बारिश ने हमारा पूरा काम रोक के रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मक्की अभी भी आधी बची हुई है थ्रेशिंग करने के लिए। कुछ हमने थ्रेशिंग करके ऊपर लेंटर के ऊपर सूखने के लिए डाल रखी है, और ये हमारे भाई जी लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, जो गीली गीली मक्की है उसके बाहर का कवर निकाल के रख रहे हैं साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगे हुए हैं, और उसके बाद हम आज सोच रहे हैं कि थ्रेशिंग करेंगे, लेकिन ये बादल आ रखे हैं। ये देखिए, बादल के कारण हमारा काम जो है रुक जा रहा है। अभी हम आपको ऊपर की भी दिखाते हैं मक्की जो डाल रखी है सूखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मक्की हमने सूखने के लिए डाल रखी थी, जिसकी हमने थ्रेशिंग कर रखी थी, और आई थिंक ये सूख भी गई है थोड़ी सी। हाँ, इसकी ये मक्की अभी सूख गई है हमारी, क्योंकि इसको थ्रेशिंग करी हुई को 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पे भी हमने त्रिपाल उठाए थे, अभी थोड़ी धूप आई थी। ये अभी ऊपर भी रखी हुई है थ्रेशिंग करने के लिए बची हुई है मक्की। ये भी ये देखिए भाई फ्रेंड्स, ये हमने भिंडी लगा रखी है थोड़ी सी अपने लिए खाने के लिए, फ्रेश भिंडी तोड़ के खाते हैं हम। ये लगी हुई है भिंडी, कद्दू की बेल, ये हमारे यहाँ कद्दू लग रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने थोड़े से आलू की खेती लगा रखी थी, पर इसमें घास बहुत ज़्यादा हो रखा है बारिश के कारण। अभी आलू थोड़े थोड़े निकले हुए हैं बाहर। ये हमने थोड़ा सा गोभी लगा रखा है, ये थोड़ा सा घास उखाड़ा था अभी हमने, मौसम ख़राब होने की वजह से फिर हम मक्की के काम पे लग पड़े हैं। ये देखिए, ये आलू निकलने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े हमारे, ये देखिए, पर अभी घास बहुत ज़्यादा हो गया। ये भी एक दिन हमें लगाना पड़ेगा पूरा काम के लिए। ये हमने आलू की खेती लगा रखी है, और ये हमारी बाहर मक्की की खेती और तिलहन की खेती लगा रखी है हमने बाहर खेत में। ये देखिए, ये हमारे तिल और मक्की की खेती है बाहर। ये लेट मक्की बिजाई करी थी हमने, और ये तिल है हमारे, तिलहन की फसल है ये, साथ में बीजी हुई है हमने। ये देखिए, ये लगे हुए हैं तिल, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, कितनी अच्छी है ये। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, अभी हम काम कर लेते थोड़ा सा मक्की का, उसके बाद मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही मैं आपको नई नई वीडियो दिखाता रहूँगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।